नमस्कार, मैं कैलाश रतन, सीईओ टेंशन फ्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का नाम है टेंशन फ्री क्लासेस और आज हम अपना पांचवा एपिसोड, टुडे वी आर शोइंग यू अवर फिफ्थ एपिसोड। फिफ्थ एपिसोड मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पांचवा एपिसोड एयर कर रहे हैं। यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, टेंशन हो गई। क्या करूं, जल्दी करूं जल्दी करूं, क्या करूं। अरे बहुत जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, टाइम हो गया। जल्दी ऑटो ऑटो ऑटो, पेन चाहिए यार, जेरोक्स निकल ली यार, ये करना है यार, वो करना है यार, ये करना। अरे यार एक कॉपी जल्दी दो यार, छुट्टा नहीं है अंकल, बाद में दूंगा यार, बाद में दूंगा। ऑटो ऑटो नहीं मिल रहा है, चलो यार आगे चलो। अरे अंकल आगे जाओ, ट्रैफिक है, आगे जाओ। क्या यार अंकल, ऑन भी नहीं सुनते हो। नमस्ते, आप कह रहे होंगे सर क्या कह रहे हैं, क्या करूं क्या करूं, झंझटबाजी क्या कर रहे हैं सर ने, ये क्या ड्रामेबाजी लगा के रखी है। इसी को कहते हैं टेंशन टेंशन और टेंशन, इसी को कहते हैं टेंशन टेंशन और टेंशन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा था, आप हमारा टेंशन, आप हमारा चैनल देखते रहिए और टेंशन फ्री रहिए। ये मैं जो बातें कह रहा हूं ये आज सुबह मैंने देखी और ये कोई पिक्चर की सीन्स नहीं थी, किसी ड्रामा की सीन नहीं थी, ये सचमुच की सीन थी जो हर एग्जाम के पहले दिन पे, हर परीक्षा के पहले दिन पे हम लोग देखते आए हैं। आज से नहीं, 40 साल से, 50 साल से, 20 साल से, 10 साल से, और आज भी देखिए क्यों नहीं चेंज हो रहा है, ये सब क्यों नहीं चेंज हो रहा है। ये जो मैंने चीजें देखी, ये आज महाराष्ट्र बोर्ड का 12वीं के एग्जाम्स चालू है, आज से महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं के एग्जाम्स चालू हैं। बच्चे टेंशन में आ गए थे, कोई लेट निकला, किसी को ऑटो नहीं मिला, किसको गाड़ी नहीं मिली, किस बच्चे ने हॉल टिकट की जेरोक्स नहीं निकाल के रखी थी, और कुछ तो भगवान के प्यारे ऐसे भी थे जो हॉल टिकट ही घर के घर पे भूल के आए थे, और एक साहबजादे की तो हॉल टिकट ही गुम हो गई थी। अब बताइए क्या किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं लेना है, पहले दिन पे मैंने आपको कहा है। और ये चीज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आप माँ बाप के लिए भी है, माँ बाप की भी ड्यूटी बनती है कि बच्चों को एग्जाम के पहले आप रिलैक्स कीजिए, उनको जरा टाइम दीजिए, उनको जरा टाइम दीजिए। बच्चा 10वीं का है या 12वीं का है या 5th का है, बच्चे माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे रहते हैं और हमारा काम है उनको सही राह दिखाना। एग्जाम के दिन पे लिख के आपका बच्चा आएगा, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी परीक्षा उसके मम्मी और पापा की होती है। ठीक है, आजकल पेट पालने के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए पापा बिजी रहते हैं, मम्मी बिजी रहती है, मम्मी खाना बनाती है, पापा काम पे जाते हैं, कहाँ कहाँ तो मम्मी भी काम पे जाती है, हम समझ सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन जिस दिन बच्चे के एग्जाम्स हैं, आप कृपया करके अगर आधा दिन छुट्टी ले सकते हैं, 1 दिन छुट्टी ले सकते हैं, 4 5 6 दिन एग्जाम के, तो कुछ बड़ा आपका नुकसान होने वाला नहीं है, मगर आपके बच्चे का फायदा जरूर होगा। आपके 4 दिन का ये टाइम आपके बच्चे की जिंदगी बदल देगा, आपके बच्चे की जिंदगी बदल देगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है बच्चे तो मोती होते हैं उनको चमकाना है, बच्चे तो मोती होते हैं उनको चमकाना है, उनको हर हाल में शिक्षित बनाना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आज जो मैंने सीन देखी, 12वीं के बच्चों की टेंशन इतनी बढ़ गई, हद से ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी। मैं सोच रहा था क्या हो रहा है ये, किसी की भी पहले से तैयारी नहीं थी, किसी ने भी कुछ सोच के नहीं रखा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले से ही उनको सभी क्लासेस में बताया जाता है ये करना है वो करना है। तो मैं आपको अगेन बता रहा हूं, ये जो मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियोस में 3 जो सक्सेस मंत्रा दी है, 3 जो एक फॉर्मूला दी है, DPE फॉर्मूला, उसको अभी भी आप अपनाइए, आज से ही अपनाइए, आज से ही अपनाइए, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उनके श्रोताओं, और मेरे प्यारे श्रोताओं और उनके पेरेंट्स, मेरे बच्चों के पेरेंट्स, आप भी कृपया करके ध्यान दीजिए। आज आपके बच्चे का पहला पेपर हो गया है, पहली परीक्षा हो गई है। अभी भी कोई कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, कोई आर्ट्स के हैं, कोई साइंस के हैं, करीब 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक हरेक की परीक्षा चलेगी। पर्टिकुलरली दिस इज फॉर द पेरेंट्स, ऑन द डे ऑफ एग्जाम, ऑन द डे ऑफ एग्जाम become the security guard of your child, become the security guard of your child, and you, it is your duty to care and share him, it is your duty that you should care him very properly, it is your duty, and you have to
डू ऑल द नेसेसरी थिंग्स वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन, जो भी जरूरी है आप बच्चे की मदद कीजिए, बच्चे का उत्साह बढ़ाइए, उसको टेंशन में नहीं डालिए कि ये करना है वो करना है वो करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात आपके लिए, जो अभी आपकी फर्स्ट डे पे हो गई, किसकी हॉल टिकट भूल गई, किसका कुछ हो गया, वो तो आपने अपना प्रॉब्लम, सीधी सी बात है, फर्स्ट डे है, सॉल्व कर दिया होगा। लेकिन कुछ बच्चों की आदत रहती है, जैसे 3 घंटा पूरा हुआ, 2 बजे निकले, 2:30 से 3 तक घर पे पहुंचेंगे, खाना नहीं खाएंगे, बैठ जाएंगे, पहले तो खास करके जो वीक बच्चे हैं देखते रहेंगे, यार क्या हुआ, मैंने ये क्या किया, ये किया, ये किया, ये कुछ फायदा नहीं। आपका काम है क्वेश्चन पेपर रख देना है, वो बाद में हम फ्री टाइम में वैकेशन में बैठ के देखेंगे क्या क्या गलतियां की है। अभी क्या करना है, इमीडिएटली दोपहर का टाइम है, जैसे ही आप 3 बजे घर पे पहुंचे, यू आफ्टर टेकिंग द लंच डायरेक्टली गो फॉर द स्लीप, कम से कम 3 से 4 घंटा आपको नींद करनी है, देन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डेज पेपर। भले ही आपको एक दिन बीच में छुट्टी है, उसके बाद पेपर है, उसकी तैयारी चालू कीजिए। पहले वाले पेपर में क्या हुआ उसका कुछ नहीं सोचिए, हमेशा याद रखिए जो प्लानिंग की जाती है, उस दिन भी मैंने पहले वाले वीडियो में आपको समझाया है, जो प्लानिंग की जाती है इवेंट के पहले की जाती है, ऑलवेज प्लान बिफोर द इवेंट, ऑलवेज प्लान बिफोर द इवेंट, डोंट डू पोस्टमार्टम ऑफ एन इवेंट, डोंट डू पोस्टमार्टम ऑफ एन इवेंट। हाँ, वो इवेंट से जो गलतियां हुई है, बाद में फ्री टाइम में बैठ के आप अपनी गलतियां लिखिए कि ये हुआ, ये हुआ, फर्स्ट डे पे मैंने ये मिस्टेक की, सेकंड डे पे मैंने ये मिस्टेक की, हॉल टिकट मुझसे भूल गई, मैं लेट घर से निकला था, गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ नहीं था, ये सिग्नल पे गाड़ी रुक जाती है, ट्रैफिक ज्यादा रहती है, तो आपको 15-20 मिनट पहले निकलना चाहिए। एंड माइंड दिस, ये कहना बहुत इजी है, एक आपका फ्रेंड आपको कहेगा, आपका दूसरा फ्रेंड तीसरे फ्रेंड को कहेगा, फिर उसकी मम्मी चौथे फ्रेंड को कहेगी कि देखो उसका बच्चा तो टाइम पे जाता है, उसका बच्चा तो टाइम नहीं। डिसिप्लिन ये रिलेटिव टर्म नहीं है, रिलेटिव मतलब किसी से कंपेयर करने की बात नहीं है, डिसिप्लिन आपको अपने आप से इसी पल, जैसे ही आपने वीडियो देखा मेरा, इमीडिएट चालू हो जाइए। ऑलवेज लिसन दीज 3 थिंग्स, DPE फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद रखिए, उसकी जो 3 बातें हैं उसको घोट घोट कर पीजिए, घोट घोट कर पीजिए, मैं अगेन आपको कह रहा हूं, घोट घोट कर पीजिए, जैसे लस्सी पी जाती है, चाय पी जाती है, कॉफी पी जाती है, DPE डिसिप्लिन प्लानिंग एंड पासवर्ड फॉर दैट इज एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स, आज जो मैंने बहुत ही अजीब सीन देखी है, कृपया करके अपने बच्चों को उत्साह कीजिए, उनको बोलिए बेटे जो भी पेपर आप करके आए हो, जैसे भी करके आए हो, टेंशन नहीं लेना है, जो हुआ हुआ, अब तो वो दिन वापस नहीं आएगा, हमको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, उसके बाद की तैयारी करनी है, क्योंकि एक बात याद रखिए, जिंदगी हमेशा सेंटीमेंट पे चलती है, जिंदगी हमेशा सेंटीमेंट पे चलती है, मूड पे चलती है। अगर आपकी मूड खराब होगी, व्हाट इज सेंटीमेंट, सेंटीमेंट माने मूड। अगर सपोज किसी बच्चे ने पेपर कम किया, मैंने ऐसे ऐसे टॉपर्स देखे हैं जिसने चलो 1 मार्क का ब्लैंक छोड़ दिया, 1 मार्क का कुछ ग्रामर छोड़ दिया, बैठ के शाम तक सोचते रहेगा, उस वजह से क्या होता है कि नेक्स्ट डे जो पेपर है उसकी वो बराबर तैयारी नहीं कर पाता है, जब तक कॉन्सेंट्रेशन होगी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो जाएगी, तो आपका जो कीमती वक्त है वो चला जाएगा, जो कीमती वक्त है वो चला जाएगा। इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, जो वक्त चला गया उस पे ध्यान नहीं दीजिए, जो आने वाला पेपर है उस पे ध्यान दीजिए। रिमेंबर वन थिंग, एग्जामिनेशन गिविंग इज एन स्किल, इट इज एन आर्ट, एग्जामिनेशन देना एक कला है, वो सीखिए। मैं फिर से कह रहा हूं, परीक्षा देना एक कला है, वो सीखिए। एग्जामिनेशन गिविंग इज एन स्किल, इट इज एन आर्ट, यू हैव टू लर्न दैट आर्ट। ओके, थैंक यू, प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, बेस्ट विशेस फ्रॉम टेंशन फ्री क्लासेस। हमारा फोन नंबर है, कुछ भी आपको क्वेरी है तो हमारे फोन नंबर पे बात कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7744823551, 7744823551, एंड हमारी ईमेल आईडी है tensionfreeclasses@gmail.com। हमारा चैनल देखते रहिए, हमारे चैनल का नाम है टेंशन फ्री क्लासेस, और उसे सब्सक्राइब करते रहिए, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए और टेंशन फ्री रहिए, देखते रहिए 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 टेंशन फ्री रहिए।